वो गाड़ियों को यहाँ पर रोका हुआ है और यहाँ से आगे गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा है। इस साइड से उधर वाली गाड़ियां बहाल कर दी गई हैं। साथ में हमने लाया था ये वाला DSLR और जैसे पिक्स वगैरह बना रहे हैं और यहाँ पर हम पिक्स बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज जा रहा हूँ मैं किधर, अभी आपको आगे बताऊंगा। मेरे साथ दोस्त हैं तो आज छोटा सा टूर कर लिया जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ वादिये नारान की तरफ। नारान की तरफ जाते हैं, छोटा सा टूर करते हैं। कुछ दिन हो गए टूर वगैरह नहीं किए, विंटर वगैरह हुआ ही नहीं कि हमारे साथ कौन कौन है। तो मैं आपको तारफ कराता हूँ कि हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। ये है मेरा कजन रमीज और ये है एक हमारे साथ ये बंद है और हमारे साथ हमारा फ्रेंड समीहा। अभी न्यू कैमरा लिए, न्यू दिखाने कैमरा, ये कौन से DSLR साथ में लेकर जाएंगे। और हमारे साथ है कि हमारा कजन कैसे, तीन हम ये हैं और एक दो बंदे शायद और आ जाएं, तो वो भी देखते हैं क्या सीन बनते हैं। तो फिर चलते हैं आगे रास्ते में, देखते हैं क्या सीन। मैट्रिक के इम्तिहानात देने के बाद अभी तक हमने कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं किया था, तो आज हमने सोचा कि आज हम लॉन्ग ट्रिप कर ही लेते हैं नारान की तरफ। नारान जाते हैं और नारान से आगे जाने का कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। शायद जेल से अपन मलूक जाते हैं या पीछे बटाकुंडी वगैरह की तरफ जाते हैं, तो रास्ते की खूबसूरत से सीज भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे भी। वहाँ पर ग्लेशियर की अपडेट भी आपको देंगे, नारान कैसा है आजकल उसकी अपडेट भी आपको देंगे। तो वीडियो के साथ आपने बने रहना है और ये खूबसूरत से सीज एन्जॉय करें। ये हम कुछ दोस्त थे जिन्होंने जाना था नारान की तरफ। अभी हम पहुंच आए हैं जी खनिया के मुकाम पर और खनिया कगान से थोड़ा सा पीछे है। वादी कगान के रास्तों में ऐसे मनाजर मिलना ये आम बात है। अभी हम पहुंच गए हैं जी कगान के बाजार में। हम एंटर हो चुके हैं और आप देखें जी इर्द गिर्द काफी होटल्स हैं, इसीलिए यहां पर आपको होटल्स मिल जाएंगे और हर सहूलियात मिल जाएगी। ये जो आपको आगे जगह नजर आ रही है ये है जी सहकुंडी। सहकुंडी पर भी इंशाल्लाह जाएंगे, बस आपका रिस्पांस होना चाहिए। सुखी किनारी डैम से पीछे जगह जगह पर ऐसे खड्डे बने हुए हैं और रोड काफी खराब है। रास्ते में आपको ऐसे पॉइंट भी मिलेंगे और आपने जरूर इनका विजिट करना है। नारान के रास्ते में जाते हुए आप बनी हुई है ये छोटी सी टनल जो है सुखी किनारी से थोड़े से पीछे। किनारी डैम के पास हूँ और देखें सबने कैमरे ओपन किए हुए हैं, बड़ा ही जबरदस्त व्यू है। और ये है जी हमारा ड्राइवर, हमारा कजन, हमारा दोस्त और इसी के साथ हम आए हैं। ये है हमारी पीछे गाड़ी, ये आल्टो मेहरान की कार है और हम आए अभी यहाँ पर स्टे किया थोड़ा सा और फिर आगे जाते हैं नारान की। आप वीडियो के साथ बने रहे क्योंकि अभी नारान जाएंगे और आप मुकम्मल सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। साथ में हमने लाया था ये वाला DSLR और जैसे पिक्स वगैरह बना रहे हैं और यहाँ पर हम पिक्स बनाएंगे। से अभी आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर लगी हुई आगे मशीनरी, आपको दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत से सीन आ रहे हैं। बर्फ का आप नजारा चेक करें जी, बर्फ पिघल रही है और बर्फ के सीन चेक करें जी। ओए पता नहीं क्या सीन है यहाँ पर, ये आगे लगा हुआ है वो छोटा बिल्डोजर लगा हुआ है और बहुत सारी छोड़ रहा है यहाँ पर बर्फ।
जो मेरे पाँव हैं वो बिल्कुल गीले हो चुके हैं। वो गाड़ियों को यहाँ पर रोका हुआ है और यहाँ से आगे गाड़ी आने नहीं दिया जा रही है। अभी बहाल कर दी हैं गाड़ियाँ, एक घंटा हमें यहाँ पर रोक के हमारी गाड़ी वहाँ पर पीछे है और अभी ये गाड़ियाँ इस साइड से उधर वाली गाड़ियाँ बहाल कर दी गई हैं। लेकिन आप देखें जी, ये आ रही हैं गाड़ियाँ लेकिन उस साइड वाली, अभी हमारी गाड़ियाँ वो आ रही हैं, हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, अभी वो भी आएगा, हमारा लड़का एक साथ था तो अभी आप देखेंगे जी। यहाँ पर बिल्डोजर ने यहाँ पर ब्रेक लगाई और गाड़ियों को बहाल कर दिया। ट्रैफिक बहाल नहीं हुई थी और इन ग्लेशियर पर हमने इसकी वजह से काफी एंजॉय किया। गर्मी के शहरों में रहने वाले लोगों, एक दफा जरूर नारान का विजिट करें, इन ग्लेशियर के बीच में ठंडी ठंडी हवाएं खाएं, अपने आप को सुकून में रखें और खूब एंजॉय करें। ये है जी नारायण बाजार और हम नारायण बाजार में एंटर हो चुके हैं और अभी आपको दिखाते हैं अगर आगे नारायण बाजार का व्यू। अभी तक वादी नारायण के बाजार में रश बहुत कम था, आप देखें यही लोग थे और होटल्स वगैरह ओपन है, सब कुछ ओपन हो चुका है, बस अब आपका इंतजार कर रहा है नारायण। सब वे भी यहाँ पर बना हुआ है, आप देखें जी, ये है जी झील सैफल मलूक का पानी जो आ रहा है और यहाँ से झील सैफल मलूक को ऊपर रास्ते जाते हैं। ये आ गया है जी नारायण PTDC। ये था हमारा नारायण तक का सफर, आई होप कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वो भी हमारा प्रोग्राम बना है झील सैफल मलूक का, तो नेक्स्ट व्लॉग आपको देखने को मिलेगा झील सैफल मलूक।